हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज सामने आपके है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, और विटारा में आपको देख सकते हैं तो ये आपका न्यू वेरिएंट लॉन्च किया गया है 2022 में गाड़ी आई है, और इसमें आपको टोटल चार वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। वो आपको मिलेंगे सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा। तो ये आपका गाड़ी का टॉप वेरिएंट है जो कि है अल्फा वेरिएंट। फीचर्स हम लोग जानेंगे क्या क्या गाड़ी में मिलते हैं, तो यहाँ से लुक देख सकते हैं। आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं जिस तरीके का लुक आता है, तो ये आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो प्राइस की बात आती है इसकी, तो 17,76,000 इसका ऑन रोड प्राइस आपको मिल जाएगा गाड़ी का। तो ये आता है पूरा इसका व्यू है, इस तरीके का देखने को मिलता है। गाड़ी में आपको 1462 cc का इंजन मिलेगा जो कि इसको 101 bhp की पावर को जनरेट करता है। तो यहाँ से आता है पूरा लुक। फीचर्स बहुत गजब के इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है जो कि टॉप वेरियंट है, इसमें आपको सनरूफ भी देखने को मिलती है, और स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में आपको गाड़ी मिल जाती है। तो हम लोग जानेंगे फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका लुक देखिए, तो लुक क्या क्या देखने को मिलता है वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ से आता है गाड़ी का जो सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आता है यहाँ पर ग्रिल। तो पियानो ब्लैक कलर में आपको ग्रिल मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में ये आपका वर्क मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्रिल के साइड में आपको क्रोम का वर्क मिलेगा, और यहाँ पर आपको टोटल 360 व्यू कैमरा आपको देखने को मिलते हैं। क्रोम फिनिश में सुजुकी का लोगो आपको मिलता है। तो ये आता है लोग, गाड़ी देखने के आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो अकबरपुर मारुति सुजुकी KTL में आकर विजिट कर सकते हैं। और इस जगह देखिए गाड़ी में मिल जाते हैं DRLs, ये आपको 3 मिलेंगे, और सेम इसी में आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। प्रोजेक्टर में यहाँ पे हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, और ब्लैक का वर्क जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है साइड में। इस जगह आएगा लुक, और बम्पर का लुक देख सकते हैं ब्लैक कलर में आपको मिलता है। ये आपको सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर ये बम्पर का लुक इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। टोचिंग का ऑप्शन जो है आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। तो अब हम लोग देखते हैं गाड़ी का साइड प्रोफाइल, यहाँ पे फीचर्स जबरदस्त आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से जो आता है लुक, इस जगह देख सकते हैं तो डुअल टोन में आपको मिलते हैं अलॉय व्हील्स, और अलॉय व्हील्स हम लोग देखते हैं तो लुक आता है डुअल टोन में आपको मिलता है, सिल्वर फिनिश और यहाँ पर ग्रे फिनिश का वर्क आपको देखने को पूरा मिल जाता है। और व्हील साइज की अगर हम लोग बात करें तो व्हील साइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर R17 इंचेस के व्हील आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर मिलेंगे रियर में और फ्रंट में, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे साइड में आते हैं तो ये आके यहाँ बॉडी कलर में ORVM विद टर्न इंडिकेटर, और ये ऑटो फोल्ड फीचर के साथ में आपको मिलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं तो साइड में आपको मिलेगा क्लैडिंग का वर्क जो कि आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है, यहाँ पर ये आएगा। और डोर हैंडल देख सकते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आता है बैक में आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल मिलते हैं यहाँ पर। और जो आता है यहाँ का प्रोफाइल, तो ये देख सकते हैं रियर प्रोफाइल आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। और बैक में आता है नेक्सा का स्टीकर, तो ये आप लोग देख सकते हैं लुक, और यहाँ पर जो है रियर का लुक पूरा, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पे टेल लैंप्स देख सकते हैं, तो टेल लैंप्स का जो लुक है ये आपको यहाँ पे मिलता है, रेड कलर का ब्लिंक होता है यहाँ पर। स्मार्ट हाइब्रिड की आपको बैचिंग मिलती है बैक में, और यहाँ पर आपको देखिए रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग लाइट है, और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको मिलते हैं गाड़ी में। तो ये आता है पूरा रियर का प्रोफाइल, तो बहुत ही प्यारा रियर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आती है जो बैक में ग्रैंड विटारा की क्रोम फिनिश में आपको बैजिंग मिलती है, और सुजुकी की क्रोम फिनिश में आपको बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। ये आपको पियानो ब्लैक कलर जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बैक में आते हैं डिफॉगर्स यहाँ पर, और ये वाइपर आपको एक बैक का देखने को मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको छोटी सी यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर शार्क फिन में एंटीना आपको बैक में मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जो रियर का बम्पर है ये आप लोग देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में आपको मिलता है यहाँ पर, ये इस तरीके का लुक आएगा। और जो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है तो 208 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आएगा पूरा व्यू। और अभी हम लोग चलेंगे गाड़ी के इंटीरियर में और देखेंगे फीचर्स क्या क्या आपको मिलते हैं। यहाँ पे आता है जो रूफ रेल्स, तो ब्लैक कलर में स्पोर्टी रूफ रेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इस जगह आपको देखिए सिल्वर फिनिश में ये आपको स्पोर्टी लुक यहाँ पर दिया जाता है, और बैक में आपको एक क्वार्टर ग्लास आपको देखने को मिल जाता है। साइड में आपको ये क्रोम फिनिश का जो वर्क है ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये आता है पूरा लुक इस तरीके का मिलेगा। और यहाँ पर ये पूरा आपको कनेक्टिव में आगे तक मिल जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इंटीरियर में फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो डोर को ओपन करते हैं और देखते हैं लुक। तो ये आ जाता है डोर का लुक आपको डुअल टोन में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और ये आता है यहाँ पर
ब्लैक फिनिश और इसके बाद में आपको ये लेदर फिनिश मिल जाएगा। ब्राउन कलर में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको मिल जाएगा, सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर मिलता है और ये आपको क्रोम फिनिश में अनलॉक की बटन यहाँ पर आपको मिल जाती है। ये आपको चारों पावर विंडोज़ मिल जाएंगी, ड्राइवर साइड ऑटो कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ पर लॉक अनलॉक की बटन मिलती है। ये आपको ORVM एडजस्ट मिल जाते हैं और यहाँ से ORVM ओपनिंग की आपको बटन यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको मिलता है और ये लेदर टच है आपको पूरा देखने को मिलता है। इस जगह आपको मिल जाएगा बॉटल स्टोरेज और यहाँ पे भी स्टोरेज आपको मिलता है। इस जगह आपको मिल जाएगा स्पीकर और यहाँ पर एक आपको ट्विटर देखने को मिल जाता है। तो ये आता है पूरा लुक और यहाँ से देख सकते हैं तो ये मिल जाएगा आपको इंटीरियर का लुक, यहाँ पे डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे देखिए सीट का एडजस्टमेंट मिलता है। एक फोल्डिंग फीचर है और एक ये सीट का एडजस्टमेंट आपको मिलता है जो कि आपको मैन्युअली देखने को मिल जाता है। तो इंक्लाइन स्टर में आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो सीट्स हैं या एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको बोथ साइड में देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो अभी हम लोग बैठ के देखते हैं गाड़ी में और फीचर्स क्या क्या हैं वो हम लोग पहले यहाँ पर जानते हैं। तो अभी हम लोग बैठेंगे गाड़ी में और देखते हैं फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आता है पूरा लुक इस तरीके का और ये आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लेदर फिनिश आपको ये मिल जाएगा कवर इस तरीके का और यहाँ पर आता है ये जो स्टेयरिंग का पूरा लुक, सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो है, सर्किल में ये आपको डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है क्रोम फिनिश में। यहाँ पर वॉल्यूम के मोड्स मिल जाएंगे, कंट्रोल मिल जाएगा, म्यूट का बटन है, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट वॉइस कंट्रोल फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये आपको सिल्वर फिनिश यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर ये आपको टेक्सचर में डिज़ाइन भी मिल जाता है। तो ये पूरा लुक है आपको मिल जाता है और यहाँ से इंजन स्टार्ट स्टॉप की बटन आपको मिल जाती है। तो इसको अभी हम लोग प्रेस करते हैं और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक आता है पूरा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपको मैनुअल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेफ्ट साइड में RPM है और राइट साइड में आपको 220 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड आपको मिल जाती है और बीच में आपको यहाँ पर मिलेगी MID एवरेज वगैरह जो है वो सारा गाड़ी का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। और ये डिस्टेंस आपको मिलती है, ये रीसेट के बटन है ट्रिप के, यहाँ पे देख सकते हैं बोथ साइड, इनको आप लोग इससे सेट कर सकते हैं, एडजस्ट आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और जो स्टेयरिंग का कॉलम है इसका तो ये आपको मिल जाएगा एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हैं तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो टेलीस्कोपिक भी फीचर ये आपको फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है, ये सारा लुक मिलेगा। और यहाँ पे अब लोग करते हैं इसको बंद और यहाँ पर जो आता है पूरा लुक गाड़ी का तो ये देख सकते हैं, ये आएगा पूरा डैशबोर्ड ब्लैक फिनिश में आपको डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा और जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है पूरा आपको मिलेगा डुअल टोन में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो पूरा लुक आता है यहाँ पर देख सकते हैं स्टेयरिंग का। और यहाँ पे आपको देखिए ये आपको मिल जाता है 9 inch की टच स्क्रीन आपको मिलती है, ब्लैक पियानो फिनिश का पूरा वर्क आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी वगैरह रेंज जो है सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। टच में यहाँ पर देखिए बटन आपको मिल जाते हैं, तो ये सारे बटन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर आता है AC वेंट्स, तो पियानो ब्लैक का वर्क आपको मिलता है, सिल्वर फिनिश में आपको AC वेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और ये मिलता है पार्किंग लाइट बटन विद सिल्वर फिनिश साइड में आपको मिलता है। यहाँ पर मिलता है AC के कंट्रोल्स और यहाँ पे आपके फैन के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे AC ब्लोअर ऑन ऑफ कर सकते हैं, बटन्स आए यहाँ पे आपको सारी मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपको बटन्स मिल जाती हैं। और गाड़ी में देख सकते हैं तो यहाँ पर मिलती है गाड़ी में की, तो आपको वही सिंपल की मिलती है, दो बटन आपको मिलती हैं लॉक अनलॉक की, यहाँ पर ये आपको मिल जाती है, पावर की हैं दोनों इस तरीके की मिलेंगी। यहाँ पे की होल्डिंग का आपको स्पेस मिलता है और ये देख सकते हैं तो 120 वाट 12 वाट का सॉकेट आपको मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको USB पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको मोबाइल स्टोरेज देखने को हैं, यहाँ आपको मोबाइल का स्टोरेज मिल जाता है इस जगह। और यहाँ पे आपको 5 गियर बॉक्स मिल जाते हैं, ब्लैक कलर लेदर फिनिश आपको मिलता है और इस जगह आपको मिल जाता है ये स्टोरेज है जो कि की स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पे दो कप होल्डर आपको मिल जाते हैं गाड़ी में, तो यहाँ पे आप लोग आराम से रख सकते हैं बॉटल्स को। यहाँ पर गाड़ी में देख सकते हैं ये आपको मिल जाता है लेदर फिनिश में आर्मरेस्ट जो कि आपको एडजस्टेबल मिलेगा और यहाँ पर भी आपको मिलेगा स्टोरेज, तो गाड़ी में स्टोरेज भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये व्यू जो है कैमरा का आपको देखने को मिल जाता है, तो लुक आप लोग देख सकते हैं 360 व्यू में आपको गाड़ी पूरी देखने को मिलेगी और किस तरीके का व्यू आता है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो व्यू के लिए आपको बटन मिलता है 360 व्यू के लिए, जैसे आप लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 360 व्यू आपको गाड़ी का देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरा लुक जो गाड़ी
हमारी पार्क है, तो वो किस तरीके का व्यू आ रहा है। और इस जगह आपको देखिए ये मिल जाता है सिल्वर फिनिश, ये आपको ग्रे फिनिश मिलेगा, ये बहुत साइड में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। लेदर फिनिश है यहाँ पर आपको मिलता है, और ये आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, छोटा सा ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सीट्स का लुक है इस तरीके का मिल जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं तो ये आता है साइड वाले डोर का लुक आपको इस तरीके का मिलता है। पियानो ब्लैक में आपको एसी वेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ये चीज़ देखने को मिलती है। और अपर में देख सकते हैं तो ये आता है सन वाइजर, यहाँ पर वेंटी मिरर विथ लाइट आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आता है सन वाइजर, वेंटी मिरर और यहाँ पर लाइट आपको देखने को मिलती है। तो ये पूरा लुक यहाँ पर मिलता है। और इस जगह आता है ये ऑटो IRVM देखने को मिल जाता है, ऑटो एडजस्टेबल। और लाइट्स आपको देखिए दो लैंप लाइट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी गाड़ी में, और ये आपको वॉइस कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं देखने को, ये चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आता है ग्रह मंडल ऑटो फोल्ड में। और अब आती है बारी इसकी सनरूफ की, तो यहाँ देख सकते हैं ये सनरूफ आपको मिलती है, पूरी सनरूफ आपको इस तरीके की मिलेगी। और इसमें आपको अच्छा फीचर दिखाऊंगा अभी मैं क्या मिलता है। ये आपको जो है ये आपको कवर मिलता है क्लोथ का मिलेगा, ये जो कि आपके इसमें जो सनलाइट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर बटन मिलती है और इसको अभी हम लोग करते हैं प्रेस, तो यहाँ से देखेंगे जैसे बटन प्रेस करते हैं ये आपका जो है ये आपका पूरा ओपन हो जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपको मिलेगा सनरूफ का। और इसमें जो सनरूफ दी गई है वो बहुत ही अलग दी गई है, आपने अगर अदर गाड़ियों में देखा होगा जैसे क्रेटा वगैरह में एक सनरूफ ओपन होती है, इसमें जो है आपको पूरी आपको दोनों सनरूफ ओपन होकर दिखाई गई, और जो कि स्पेस है आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं पूरी सनरूफ जो है बैक वाली भी ये आपको पीछे चली जाती है अंदर, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेस है ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाता है यहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। और यहाँ से अभी हम लोग करते हैं इसको क्लोज़, तो यहाँ से क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे पूरी जो सनरूफ है इसकी आपकी क्लोज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लोज़ होती है और ये आपकी बंद हो जाएगी। फिर इसको टर्न टच करते हैं तो ये भी आपका जो आपको मिलता है कवर ये आपका हो जाता है क्लोज़। तो सनरूफ है बहुत ही अच्छी सनरूफ यहाँ पे दी जाती है गाड़ी में, और सबसे अलग दी जाती है जो कि यहाँ पे पूरा कवर अप करती है और ओपन भी बैक तक हो जाती है। तो चलते हैं अभी हम लोग बैक वाली सीट में और देखते हैं स्पेस वहाँ पर कितना मिलता है। इस जगह देख सकते हैं फुटरेस्ट भी आपको यहाँ पर एक दिया जाता है गाड़ी में, तो यह चीज़ें मिलती हैं। और चलते हैं बैक वाली सीट में और वहाँ पर चेक करते हैं स्पेस हमको कितना देखने को मिलता है। तो ये है बैक वाला डोर और इसको करेंगे अभी हम लोग ओपन, और यहाँ से आता है बैक वाले डोर का लुक। तो ये आता है रियर का प्रोफाइल पूरा, डुअल डोर में आपको मिलता है डैश यहाँ पे पूरा, ये आपको लेदर फिनिश मिलता है यहाँ पर, ये आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगा, अनलॉक का बटन क्रोम फिनिश मिलता है, पियानो ब्लैक मिलेगा, अनलॉक की बटन मिलती है, ये लुक आएगा पूरा। बॉटल स्टोरेज यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे स्पीकर मिलता है आपको। और जो इंटीरियर है तो यहाँ से देख सकते हैं इंटीरियर बहुत अच्छा मिलता है, स्पेस बहुत ज़्यादा गाड़ी मिलता है। बैठ के देखते हैं हम लोग, तो बैठ के देखने के बाद भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेस है लेग रूम अच्छा खासा आपको मिलता है। इस जगह आपको देखिए स्टोरेज मिलेगा, तो यहाँ पे कवर है कुछ वगैरह हम लोग रख सकते हैं। सीट्स हैं आपको देख सकते हैं इस तरीके की आपको सीट्स मिल जाती हैं, हार्ड टच में सीट्स मिलेंगी क्योंकि स्पोर्टी गाड़ी है। और यहाँ पर देख सकते हैं बैक में सिल्वर फिनिश आपको ये मिलता है, दो एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर दो आपको ये चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएंगे, एक USB मिलता है और एक टाइप सी फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है मोबाइल का स्टोरेज। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बैक में तीनों हेडरेस्ट हैं आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं यहाँ पर, और इस जगह आपको मिलेगा एक आर्मरेस्ट, तो आर्मरेस्ट भी आपको दिखाते हैं किस तरीके का मिलता है। तो आर्मरेस्ट का जो लुक है वो आप लोग देख लीजिए किस तरीके का मिलता है, यहाँ से हुक होता है और इसको अभी हम लोग ओपन करते हैं। ये लेदर फिनिश आपको यहाँ पर मिलता है आर्मरेस्ट, दो कप होल्डर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आर्मरेस्ट का जो लुक है वो भी आपको बहुत ही प्यारा मिल जाता है, स्वेट प्रूफ सीट्स आपको मिलती हैं, और यहाँ से जो सनरूफ का है लुक आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पे लाइट्स आपको मिलेंगी बोथ साइड में, लैंप लाइट आपको देखने को मिल जाती हैं ये देख सकते हैं, और ये चीज़ें मिलती हैं जो शॉर्ट फोल्डिंग में ग्रैब हैंडल है बोथ साइड में, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा लुक आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो बैक में आती है पार्सल ट्रे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज के साथ में मिलती है, यहाँ पर अच्छी बड़ी पार्सल ट्रे मिलेगी। ये आपको देखिए सीट बेल्ट के लिए एक यहाँ पर दिया जाता है, एक नया लुक दिया जाता है इसमें गाड़ी में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, ये पूरा लुक आता है। और इंटीरियर का लुक है तो यहाँ पर इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं गाड़ी के बैक में और चेक करते हैं बूट। और गाड़ी के एयरबैग की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं, जो कि आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है इसमें। चलते हैं गाड़ी का बूट ओपन करते हैं और बूट चेक करते हैं वो आपको कितना देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पे ओपन करेंगे आपको और ये आता है गाड़ी का पूरा बूट स्पेस। यहाँ पे देख सकते हैं तो बूट का लुक इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रैब एक मिलता है इस तरीके का, ये क्लोज्ड मिलता है पूरा। और यहाँ पर आपको ये स्पेस, एक ये स्टेपनी है और यहाँ पर ये जो आपको मिलता है स्पेस, तो यहाँ से देख सकते हैं 373 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है। लगेज अच्छा खासा आप लोग कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे हुक मिलेगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यहाँ पे एक लैंप लाइट मिलती है। यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है 120 वाट का। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं गाड़ी में। और ये देख सकते हैं पूरा व्यू, तो ये पूरा व्यू आता है गाड़ी का। और यहाँ से देख सकते हैं तो ये आती है पूरी प्रोफाइल गाड़ी की, तो ये आता है पूरा व्यू। और गाड़ी आपको कैसी लगती है? रिवर्स पार्किंग जो सेंसर है, 4 आपको सेंसर बैक में मिल जाते हैं। तो गाड़ी आपको ओवरऑल कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर गाड़ी आपको अच्छी लगती तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर कार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे गाड़ी बहुत अच्छी है। और इसी तरीके के कार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे कि हर कार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।